मशहूर है, वहाँ इल्मी शख्सियात के लिए मशहूर है, लेकिन इन्हीं इल्मी शख्सियात में एक और वादी लोलाब का चिराग कल गुल हुआ है, नज़ीर जौहर, नज़ीर अहमद लोन, जिन्हें आम तौर पे नज़ीर जौहर कहा जाता था, कल शाम को कुछ अरसा अलील रहने के बाद इंतकाल कर गए। वादी लोलाब के सोगाम से ताल्लुक रखने वाले नज़ीर जौहर एक इल्मी शख्सियत थे, बहुत सी किताबें लिखी हुई, सियासी घराना भी था, साबका वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन साहब के छोटे ब्रदर थे, और इस घर में इससे पहले भी अलमिया हुआ है, मंजूर मोहिद्दीन लोन साहब भी इनके बड़े बुजुर्ग भाई थे, और ये वहाँ के साबका MLA कैसर जमशीद लोन के वालिद हैं। कल उनका इंतकाल हुआ और आज नज़ीर जौहर साहब को अपने आबाई कब्रिस्तान सोगाम में सुपुर्द खाक किया गया। अच्छी खासी तादाद में वहाँ सियासी, समाजी और मुख्तलिफ मकतबाई फिक्र के लोग उनके आखिरी सफ़र में मौजूद थे, और यहाँ उन्हें पुरनम आँखों से अलविदा कहा गया। रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर शख्सियात के साथ साथ PDP और इलाके के मुअज्जिन के साथ साथ इलाके का हर मकतबाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स उनके नमाज जनाजा में मौजूद रहा, और रब कायनात नज़ीर जौहर साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे और अगला जहान उन पर आसान करे। यहाँ मीर सैफुल्ला भी थे, नज़ीर अहमद खान गुरेजी थे, और दूसरे तबके थे। ज़रा क्या कहती हैं यहाँ की समाजी सियासी शख्सियत के हवाले से हमारे यहाँ के लोग। जहाँ तक नज़ीर साहब का ताल्लुक है, इसको नज़ीर जौहर के नाम से भी जाना जाता था। लेखक होने के नाते बहुत काम किया है, कहीं किताबें इसने लिखी हैं, कहीं अदबी महफिलों में इसने शिरकत की है, रियासत के अंदर और रियासत से बाहर इसका अच्छा नाम है अदीब होने के नाते। नज़ीर साहब थे, नज़ीर जौहर साहब, एक तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे और साथ साथ में एक सामाजिक कारकुन रहे, एक राइटर रहे। यहाँ आने के बाद जब मैंने लोगों से, जो आज मैंने देखा जब मैं गफेर लोगों का जो जमा था, उनसे बात हुई, मैं पर्सनली उतना नहीं जानता था जितना कैसर साहब को मैं जानता था, नज़ीर साहब को उतना नहीं जानता था, लेकिन जो लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि जो मसाइल यहाँ हल नहीं होते थे तो नज़ीर साहब का सहारा लिया जाता था, नज़ीर साहब के पास हम जाते थे और वो मसाइल हल हमारे होते थे। साथ साथ वो गरीबों के हमदर्द थे और इस खिते में जहाँ तक नज़ीर साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, ये तो एक अदीब थे, शायर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। रोल रहा है, एक किरदार रहा है इस इलाके की खिदमत में, तो आज जो है एक इनकलाब पैदा हो गया है और हम महसूस कर रहे हैं ये चीज़ कि हमारे अंदर से एक वो शख्स अलग हो गया, से एक वो शख्स अलग हो गया जो समाज को बहुत कुछ दे रहा। नज़ीर जौहर, उनकी खिदमात का एतराफ़।